नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ गुरु में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दुर्वा यानी के दूब के बारे में, देंगे आपको दुर्वा यानी के दूब की संपूर्ण जानकारी, देंगे आपको इसका पूरा परिचय कि क्या इसकी पहचान होती है, किन किन नामों से इसको जाना जाता है और क्या इसके गुण होते हैं और क्या इसके अवगुण होते हैं, हमें किस तरह से दुर्वा यानी के दूब का उपयोग करना चाहिए और इसके उपयोग में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और दोस्तों, आज हम आपको दुर्वा यानी के दूब के ऐसे 16 प्रयोग बताएंगे जिनको आप अपने घर पर ही तैयार करके 16 तरह की गंभीर बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में दूब को परम पवित्र मानने के कारण प्रत्येक मांगलिक अवसर पर पूजन सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देवता, मनुष्य और पशु सभी को ये प्रिय होता है। दूब जो है खेल के मैदान, मंदिर परिसर, बाग बगीचों में विशेष तौर पर उगाई जाती है, जबकि यहाँ वहाँ यह अपने आप भी उग जाती है। दूब जहाँ जमीन पर फैलकर बढ़ती है, वहीं घास ऊंची होकर बढ़ती है। चूँकि इसे सभी जानते पहचानते हैं और इसके तने में अनेक गांठें होती हैं जहाँ से जड़ें निकलकर भूमि में चली जाती हैं और तना आगे की ओर बढ़ता जाता है। छोटी छोटी शाखाएं भूमि से ऊपर उठती रहती हैं, जिनसे 2 से 4 इंच लंबी पतली चिकनी नोकदार पत्तियां निकलती हैं। हरे या बैंगनी रंग की पुष्प मंजरी पर दोनों रूप में छोटे छोटे बारीक भूरे रंग के फल लगते हैं। पानी मिलता रहे तो ये वर्ष भर हरी रहती है, अन्यथा गर्मी के दिनों में ये सूख जाती है। आमतौर पर हरी और सफ़ेद दूब देखने को मिलती है, पर कहीं कहीं नीली या काली दूब भी हमको देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसका विभिन्न भाषाओं में किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, संस्कृत में इसको दुर्वा, हिंदी में दूब, मराठी में हरली, गुजराती में धरो, बंगाली में दुर्वा घास और अंग्रेजी में कोंच ग्रास के नाम से इसको जाना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके गुण के बारे में कि क्या क्या इसमें गुण होते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक मतानुसार दूब रस में मधुर, कषाय गुण में लघु, तासीर में शीतल, विपाक में मधुर, कफपित्त शामक होती है। ये रक्त स्तंभन मूत्रजनक एंटीसेप्टिक होने के कारण रक्त विकार, रक्तपित्त, रक्तस्त्राव, खांसी, वमन, अतिसार, दाद, मूत्र द्रोह, नेत्र दाह, आँखों में दर्द, ज्वर और शीतपित्त और रक्त प्रदर में गुणकारी काफ़ी मानी जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी यूनानी चिकित्सा में इसको क्या माना जाता है। तो दोस्तों, यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार दूब की तासीर जो होती है वो सर्द होती है, यानी कि ठंडी होती है। सफ़ेद दूब में काम शक्ति घटाने का गुण होने के कारण साधु संन्यासी इसको सेवन करते हैं। इससे वीर्य की कमी होती है, इसके सेवन से प्यास मिटती है, पेशाब खुलकर आती है, खुजली दूर होती है, मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसके हानिकारक प्रभाव की बात करते हैं। तो दोस्तों, सामान्य से अधिक मात्रा में सेवन करने से ये अमावस्या को हानि पहुंचा सकती है और काम शक्ति में कमी ला सकती है। तो इसका उपयोग दोस्तों ज़रूरी मात्रा में ही करना व्यक्ति को चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके जो आयुर्वेदिक योग हैं जो बाज़ार में पहले से ही मिलते हैं, जैसे दुर्वा दी ग्रत, दुर्वा दी तेल, दुर्वा रिष्ट, दुर्वादी लेप आदि। ये जो आयुर्वेदिक योग हैं ये पहले से ही दूब यानी कि दुर्वा के मार्केट में उपलब्ध पहले से ही हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके किन किन रोगों में हम इसका किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चोट लग जाती है और चोट से खून बह रहा होता है तो दोस्तों कैसे इस्तेमाल करनी है। चोट से खून निकलने पर दूब की लुद्दी बनाकर लगाने से और पट्टी बांधने से रक्त स्त्राव रुक जाता है और घाव भी जल्दी भर जाता है। अब दोस्तों, नाक से खून निकलने पर कैसे इस्तेमाल करना है। किसी भी कारण से जब नाक से खून निकले तो ताजी हरी दूब का रस 2-2 बूंद नाक के नथुनों में टपकाने से रक्त स्त्राव तुरंत बंद हो जाता है। दोस्तों, मुंह के छालों में कैसे इस्तेमाल करना है। दूब से तैयार किए काढ़े से दिन में 3-4 बार गरारे करने से मुँह के छालों में बहुत आराम मिलता है। अब दोस्तों, वमन यानी कि उल्टी में आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दूब के 1 चम्मच रस में एक काली मिर्च पीसकर सेवन करने से उल्टी जो है लगनी बंद हो जाती है।
चर्म रोगों में दोस्तों कैसे इसको इस्तेमाल करना है, त्वचा रोगों में सरसों के तेल और धूप के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर गर्म करें। जब पानी उड़ जाए तो इस तेल को चर्म, जहाँ भी आपको चर्म रोग हुआ है, दिन में 3 बार लगाएं, जो है चर्म रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। दोस्तों दाद खाज खुजली में कैसे इस्तेमाल करना है, हल्दी के साथ बराबर की मात्रा में धूप मिलाकर पीस लें। बने लेप को नियमित रूप से 3 बार लगाने से दाद खाज खुजली और जो फोड़े फुंसी है उनमें लाभ होता है। मानसिक रोगों में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों धूप का ताज़ा रस ले लेना है और सुबह शाम 3 चम्मच की मात्रा में नियमित रूप से पिलाने से मिर्गी, हिस्टीरिया और उन्माद, पागलपन में जो है आशा के अनुसार लाभ होता है। दोस्तों बुखार में कैसे इस्तेमाल करना है, शरीर में अत्यधिक गर्मी जलन महसूस होने पर धूप का रस सारे शरीर पर मलने से कष्ट में राहत होती है। सिर दर्द में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है, जो 1 चम्मच दूध के रस में जो ले लेनी है, जो को 1 चम्मच दूध के रस में घोटकर कपाल पर मलने से दर्द में राहत मिलती है। दोस्तों हिचकी में कैसे इस्तेमाल करना है, धूप का रस और शहद 1-1 चम्मच की मात्रा में मिलाकर सेवन करने से हिचकी लगनी बंद हो जाती है। पेशाब में जलन से दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है, 4 चम्मच धूप का रस 1 कप दूध के साथ दें और पेशाब में खून जाने की तकलीफ में भी इस प्रयोग से आपको लाभ मिल जाता है। पेशाब उतरने में अगर दोस्तों आपको तकलीफ है, कष्ट है, तो 10 ग्राम धूप की जड़ को 1 कप दही में पीसकर सेवन करने से जो ये बीमारी दूर हो जाती है। बीवाइयों पर दोस्तों कैसे लेप करना है, कैसे इस्तेमाल करना है बीवाइयों पर, धूप का लेप बीवाइयों पर लगाने से आपकी जो तकलीफ जो है ख़त्म हो जाती है। खूनी बवासीर में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है, धूप के पत्तों यानी कि जो इसके पत्ते हैं, पत्तों, तनों और जड़ों को दही में मिलाकर मस्सों व गुदा पर लगाने से और सुबह शाम 1 कप की मात्रा में सेवन करने से खूनी बवासीर में जल्द ही लाभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रक्त प्रदर में। 2 चम्मच धूप के रस में आधा आधा चम्मच चंदन और मिश्री का चूर्ण मिलाकर 2 से 3 बार सेवन कराने से ये रोग में लाभ हो जाता है। अगर दोस्तों प्यास की अधिकता ज़्यादा है तो उसमें कैसे इस्तेमाल करना है, हरी धूप का 2 चम्मच का रस 3-4 बार सेवन करने से किसी भी रोग में प्यास की अधिकता ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी इसकी धूप की यानी कि जितनी भी जानकारी यानी कि संपूर्ण परिचय जो आज को जो आज हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।